वेलकम। तो आज हम अपनी तीसरी वीडियो एक्सप्लोरिंग रियल डेटा यूजिंग डीप्लायर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक से दोबारा स्टार्ट करता हूं। आर स्क्रिप्ट पे आप जाएंगे, एक न्यू आर स्क्रिप्ट जो है वो रेडी हो गया। मैंने कुछ वर्ब्स बताए थे डीप्लायर के कि सैंपल, फिल्टर, सिलेक्ट, अरेंज, और ये हमने डिस्कस कर लिए थे। म्यूटेट एंड समराइज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं इसको आज बहुत लेंथी नहीं रखूंगा। हम सिंपल म्यूटेट और समराइज का फंक्शन देखने जा रहे हैं। फिल्टर, सिलेक्ट, अरेंज वगैरह का आपने पिछली वीडियो में देख लिया। तो यहां पे देखिए लाइब्रेरी डीप्लायर, तो ये मेरे पास लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी गैप माइंडर, तो ये गैप माइंडर पैकेज मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो यहां पर अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि म्यूटेट, म्यूटेट का फंक्शन क्या है। म्यूटेट जो है वो बेसिकली एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना हो या एग्जिस्टिंग वेरिएबल को चेंज करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। लेट्स से यहां पे मैंने गैप माइंडर जब लिखा तो ये मेरे पास पॉपुलेशन कई जो है ना वो डिजिट्स पे, बहुत डिजिट्स तक है, तो इसको रीड करना बहुत मुश्किल है। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं इसको मिलियंस में रीड करवाना चाहूं तो वही है गैप माइंडर। आपके पास पाइप फिल्टर, तो पाइप ऑपरेटर, आई शुड नेम इट एज पाइप ऑपरेटर। तो पाइप ऑपरेटर आपने यूज किया और यहां पे हमने म्यूटेट, म्यूटेट से हम एक नया वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं। पीओपी पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं वन मिलियन से। तो अब ये जो आपकी पॉपुलेशन शो होगी वो देखिए मिलियंस में शो होगी, 8.43 मिलियन, 9.243 मिलियन, 10. तो आप इस तरह से एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये म्यूटेट का फंक्शन है। आप न्यू वेरिएबल क्रिएट करना चाहें या चेंज एग्जिस्टिंग वेरिएबल करना चाहें। अब मैं एक फाइनल चीज करने जा रहा हूं और वो है समराइज डेटा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिनेंट्स। तो पहले मैं इसको 2007 तक का डेटा, हम 2007 वाला डेटा इस वक्त मैं क्रिएट कर रहा हूं। लेस देन डैश तो इक्वल हो गया। गैप माइंडर, तो कल हमने फिल्टर की कमांड देखी थी, गैप माइंडर, तो फिल्टर की कमांड में हम सिर्फ 2007 वाला डेटा रख लेते हैं। ईयर डबल इक्वल 2007। एक है कि मैं अगली लाइन में आपको ये शो करूं, एक है कि मैं इसी लाइन में भी शो कर सकता हूं। एनीओ मैं इसको दो स्टेप्स में कर रहा हूं। अब मेरे पास ये 2007 तक का सिर्फ गैप माइंडर 2007 डेटा हो गया। गैप माइंडर 2007 ये मेरे पास डेटा आ गया। इसमें मैं अब जो है वो इसको ग्रुप कर रहा हूं बाई कॉन्टिनेंट, यानी कि हम अपनी जो समरी चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं बाई कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट, और इसको मैं जो है वो समराइज कर रहा हूं मीन इक्वल टू मीन ऑफ जीडीपी करना चाहते हैं, जीडीपी कर लीजिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी करना चाहते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लीजिए, मिनिमम ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन इक्वल टू मीन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप इसमें काफी सारी जो है वो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्स मैक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो मैं सिर्फ इसको इस वक्त ये रख रहा हूं। तो ये देखिए आपके पास मीन मिनिमम मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर अफ्रीका 2007, फॉर अमेरिका कॉन्टिनेंट, फॉर एशियन कॉन्टिनेंट, फॉर यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड फॉर ओशनिया। ओशनिया में सिर्फ एक दो कंट्रीज हैं तो इसलिए ये इट कैन बी वो जो है शायद उस तरह से हम इसको बाकियों से कंपेयर नहीं कर सकते, बट एनी हो इट्स वेरी हाई। तो आपको इस वक्त हमने सिर्फ दो फंक्शंस जो है वो स्टडी किए हैं, दो वर्ब्स, एक म्यूटेट और एक समराइज। तो मैंने इसको जो है वो शॉर्ट रखने की कोशिश की है। आई होप कि इससे हमने एक्सप्लोरिंग रियल डेटा जो है ये काम मुकम्मल कर लिया। इससे अगले वाली वीडियो में हम विजुअलाइजेशन ऑफ दिस डेटा करेंगे, विच विल बी वेरी फैसिनेटिंग वन। टेक केयर, थैंक यू।